ये देखो इससे हम ना भाई क्या कर सकते हैं, तितली बनो उड़ता फिर कर सकते हैं ठीक है। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़वाल उत्तराखंड की हसीन वादी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों आज है नवमी, तो आज है श्री राम नवमी। आज ही के दिन भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या पे हुआ था और आज है माता रानी के नवरात्र का नौवा दिन। चैत्र के महीने की नवरात्रि है आज, तो नवरात्रि का आज लास्ट दिन है। तो भाई आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक बधाइयां और चैत्र की नवरात्रि की अंतिम दिवस की हार्दिक बधाइयां। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज भी है हमारे गांव में कुंदन चाचा के लड़के गबरू का बर्तपन जनेऊ। तो आजकल तो पहाड़ में ऐसा हो रहा है ना भाई, कुल जनेऊ नवरात्रि, कुल शिकार भात, कुल है लुगोड़ प्रसादी हो रहा है, तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी मैंने जाना है बर्थ पे, पताका वगैरह लगा रहे हैं। आधा काम तो मैं पहले मॉर्निंग में करके आ गया हूँ, तो ब्लॉग में अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताना, ये फर्ज समझा तो आपको बता दिया है। तो अब मैं सीधे चलता हूँ कुंदन चाचा लोगों के घर पे, वहां मस्त से बर्थ है, तो पंडित जी वगैरह आए, हवन यज्ञ सारा कुछ होगा। तो पिछले ब्लॉग के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा कि कैसे हवन यज्ञ वगैरह होता है, तो कैसे जनेऊ होता है, वो सब आपने देखा। तो आज भी है बर्थ, कुल खाया पिया मैं बिजी हूँ, तो इसके लिए ज्यादा ब्लॉग दूर दूर के आ नहीं पा रहे, तो सीधे चलता हूँ खाया पिया मैं बोले तो बर्थ पे। तो यार भाई ठीक सामने है बैंगलोर जहाँ पे जनेऊ होने हैं और काम काज चल रहा है यहाँ पे पहाड़ी तरीके से, और यहाँ पे बनाया है स्वागतम वाला गेट। और कल यार भाई थक गया हूँ मैं न्यूत्पात में भात खाते खाते यार, तो यहाँ चाय वगैरह टेकी जा रही है, मस्त लग रही है, पताके वगैरह लग गए हैं। यहाँ पे है छोटी सी पहाड़ी बाथली और मैं अच्छा गानीबल में चाचा मॉर्निंग बाहर ले आ गान। और यहाँ चल रही है हवन वगैरह की तैयारी, तो बढ़िया करके गुरुजी प्रणाम, होगी तैयारी। तो हमारे उत्तराखंडी पंडित जी भी आ गए हैं, आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। गलत बात गुरुजी, गलत बात, दुई मंत्र आले फूक दिना ले ब्लॉग, कैमरा मैन रखता हूँ अच्छा। और यहाँ पे चल रही है किमोना है, अरे हाँ वो घर के लिए सजावट क्या बोलते हैं गुरुजी इसको, ये आम और ना माले को क्या बोलते हैं, ये जो है गृहयाग के लिए हवन के लिए जो बनाया जाता है, इसको एक रक्षा का काम करता है। अच्छा रक्षा कवच, रक्षा कवच का एक विघ्न आए उसके लिए अच्छा कवच, तो ये बना रहे हैं रक्षा कवच। मुझे पता नहीं था, आज पहली बार पता चले, खाली देखा था कि ये लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये पता नहीं था, तो गुरुजी के माध्यम से बता दिया गया है कि ये है रक्षा कवच। जैसा भी होगा दिखाया जाएगा, तो कुछ इस तरीके का काम चल रहा है भाई यहाँ। और खाने पीने की व्यवस्था भी दिखाता हूँ मैं आपको, किधर हो रही है। तो खाने पीने की व्यवस्था उधर ऊपर हो रही है। तो भाई पहाड़ी बाखली में पहुंचे हैं दूसरे वाले में, और खाने पीने की व्यवस्था इधर होगी, और शाम को होगी दावत पार्टी और हवन यज्ञ तो वगैरह दिन में होगा। हाँ थक गए बेचारे काफी, दिखा दिया गेट, दिखा दिया दाजी आपकी आपके सौजन्य से गेट बन गया है और यहाँ पे बन रहा है खाना पीना, तो दावत इधर होगी मस्त करके। तो यार भाई दिन के बज चुके हैं एक, और खाना वगैरह मैंने खा लिया, बर्थ में सुबह पताका लगाने गए थे ना, तो हमने वहीं खाना खा लिया था। अभी बर्थ चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा धूप भी लगी, तो थोड़ा मूड कर रहा था कि थोड़ा एक राइड मार के आऊं, तो थोड़ा सा राइडिंग करता हूं, लेकिन राइडिंग के टाइम में बोलूंगा नहीं ना, क्योंकि मैं माइक वगैरह कुछ लेकर नहीं आया हूं। तो मस्त सी राइड देखो भाई, एक राइड मार के आ रहा हूं,
तो यार सडनली राइड करते करते आपके बीरू भाई का मतलब एक प्लान चेंज हुआ ना, मैंने सोचा क्योंकि कम्मू भाड़ी पहाड़ी भैया का घर गिनी बैंड में है, और पकड़ा कम्मू भाई का बिस्तर से यूं घसीटते हुए लाया हूँ 80 के साथ, ठीक है। और क्या काटने जा रहा हूँ, जुड़े रहो। और भाई ऐसे बिहड़ जंगल में जा रहा हूँ ना भाई, ये देखो यार ये कहाँ जाना है मुझे, टॉप में जाना है, जंगल देखो भाई कितना भयंकर है। और इस चट्टान से मैं जाऊंगा उधर, इससे डरना मत भाई, ये नॉर्मली है, ठीक है। ऊपर जाना है, वहीं जाके दिखाता हूँ क्या काटने जा रहा हूँ मैं। तो यार अभी बहुत दूर जाना भाई, तो गाड़ी का काम ही लाया नहीं, टेंशन मतलब यहाँ झाड़ पे कोई आने वाला नहीं है तुम्हारी गाड़ी का चाबी लेने वाला। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि जानवर आए होंगे जंगल में भाई, निकल ही आने यार, किसके काटे होंगे लेकिन भयंकर सकता हूँ यार दोस्त। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ, लेकिन इतना दूर मैं कैसे आऊंगा कैसे? चलते रहो, चलो 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 चलो, अब काटना पीटना तुम्हारे हाथ में है, काटना वटना तुम्हारे हाथ में है, वो तुम देखो भाई। गिरूंगा तो बताओगे नहीं? बिल्कुल यार बिल्कुल, थोड़ा पकड़ूंगा। वेट कितना है, 75 या 72 या फिर 65? मेरा वेट है 85 किलो। अरे बाप। तो यार भाई जो मैं काटने वाला हूँ ना वो अभी गोपनीय रखा जाएगा, वो काफी दूर था तो, लेकिन मैंने ये लकड़ी मिल गई है मुझे, यहाँ पे काटा था लोगों ने, तो इसको इसके पीछे घुसाते हैं मस्त करके, तो इसके ये तो शुगर बना गया था, गिर ना जाए, इसको ठेसता हूँ पहले, यार पतला वाला बनाना पड़ेगा ना ये, ऐसे यू लकड़ी फंसेगा तो डांटोगी तो नहीं, चुरी बढ़ा के निकल जाएगा, छेद छोटा है ना फिर यार। यार भाई काफी मेहनत करनी पड़ रही है यार आपके लिए भाई, सिर्फ आपके लिए नहीं होएगा यार, चलो ऐसे ही ट्राई करते हैं। अबे इधर है बहुत, कहाँ है? इधर आ भाई, इधर आ जाओ, इधर 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 ब्लॉग नोट। हाँ हाँ प्ले है ना, प्ले है ना, अच्छा प्ले ना, ऐसे डाल दूंगा। ये देखो ये काफी दूर है ना, इधर देखो छुटके छुटके से मस्त पौधे मिले हैं, मेरे लिए भी ला देना एक दो झाड़ू। वो देखो वो कितने मस्त है, छोटे छोटे पेड़, लेकिन रास्ता ऐसा बिहड़ है, वहां से जाना पड़ेगा भाई मुझे, मतलब यहाँ से ऊपर चढ़ूंगा, वहां से वहां जाऊंगा, ठीक से दाजू? बिल्कुल बिल्कुल, जाओ फिर। बिल्कुल मैं चढ़ता हूँ, मैं यहाँ से फील्डिंग लगे रह रहा हूँ, मैं फील्डिंग करना, अगर मैं फुटता तो ठीक है, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ यहाँ से, तुम चलो। पत्थर चट्टा भी काफी है यार, पत्थर चट्टा बोले तो ग्यूपैथ, कम कम खाया करते थे, थोड़ा चलते एक टाइम में ऐसे पहाड़ पे मैं ऐसी नॉर्मली चढ़ जाता था, लेकिन अब काफी दिक्कत आती है। नीचे से ले गया यहाँ से, यहाँ से यहाँ भी एक पेड़ है ना, ना वो बड़ा है छोटा है? तो भाई मैं काट के ला रहा हूँ, वेट करो, दिख रहा है इसको मैं ऐसे काटूंगा, लेकिन सर कांटे है ना यार, मस्त मस्त वाली काटेंगे, ठीक है। Hmm.
एक और निकल जाएगा ना इसमें, सब आ जाते हैं काम। नीचे वाला जो नीचे लटका है वो, नीचे नीचे लटका वाला, हाँ नीचे 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 उधर को लटका है, हाँ 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 ये है पत्ता फटने दो उसको, वैसे ही फाड़ना पड़ता है झाड़ू बनाने के लिए उसको। चलो चलो ये बात भी ठीक बोल रहे, हो गया फिर अभी। तो भैया फाइनली तुम्हारा बीरू भाई काट लाए हैं बड़े बड़े मोर पंखे, ये देखो इससे हम ना भाई क्या कर सकते हैं, तो भाई ये है आपका वीरू भाई लेके आ गया है, इसको कहते हैं जरक। और भाई इससे ऐसी क्या बनता है पता है, झाड़ू भी बनता है, इतना मस्त लग रहा है ना मोर पंखा टाइप का, यू मस्त नाच रहा है। तो इससे बनता है झाड़ू, काफी टिकाऊ झाड़ू रहता है, ये सिर्फ इन्हीं जंगलों में मिलता है। तो अपने साथ कम्मू भाई आए थे तो इन्होंने निकाल दिए, नहीं मैंने निकाले हट, तो यार इन चश्मों से दिखता नहीं है ना भाई, तो चश्मा चेंज करो चश्मा का। तो हमने ये तोड़ के लागे, अब इसको मस्त करके घर ले जाता हूँ, उधर साइड को काफी बरसात भी होने लगी है, तो अब सीधे चले भैया घर। बिल्कुल यार, तो घर चलते हैं, इनको पकड़ो घर ले चलते हैं इसको, गाड़ी घुमाओ। ठीक चुदाजी। यार भैया फाइनली आपका वीरू भाई जरक लेके आ गया है घर, और घर आके मैंने खूब सारी डांट भी खा दी है। तो मैडम ने काफी रिसाई थी अकेले अकेले गया करके, तो काफी डांटा मुझे, क्यों डांट रहे थे? रिसाई नहीं थी, गाय को था। अच्छा घर का काम करना था, तो इसके कहने का भी तो घर का काम बोल दिया ना, उस टाइम मुझे ऐसा डांट रही थी ना, तो मुझे ले गया नहीं अकेले गया हरामी करके, डांटा मेरे पास सबूत भी है, सबूत भी है। अच्छा तो ठीक है, तो झूठ बोला था, अच्छा तो ठीक हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ बर्थ डे, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको बर्थ डे करके, और अभी शाम का खाना बनेगा, तो सारे गांव वाले सब्जी वगैरह काटने के लिए जा रहे हैं। अभी चाचा जा रहे थे, मुझे बोले थे आजा वीरू भाई जल्दी जाते हैं करके, तो अब मैं भी निकलता हूँ सब्जी वगैरह काटने के लिए, जा रहा हूँ हटवान। टाइम हो गया 3-4 बजे बांधना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय, हो जाता है, चलो मैं जा रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ सब्जी काटने, तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे खाना बन रहा है। तो मैंने बोला था ना जहाँ पे खाना बनेगा और जहाँ पे खाना कटेगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो यहाँ पे पिया जा रहा है शाह, और ये प्यूंस क्या कर रहा है, प्यूंस चल रहा है आलू, ऐसा बनेगी सब्जी। यहाँ कटी है लौकी, लौकी यहाँ आलू, बलदाजू चाय भी पी रहे, और यहाँ पे बन रही है इमली, खट्टी खट्टी इमली, मस्त सी भाई, ये देखो ओ भाई लजीज लजीज इमली। और ऐसा बनेगा लगोड़, की है की है, अच्छा 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 ठीक 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 क्यों आया हटबट वर्क। और यहाँ पे जो भाई फुल डे का परात में ओला जा रहा है पिछुआ, ये होटल मैनेजमेंट वाले हैं दोनों, पायलट दाबी और देव दाबी है, घटका आटा पहाड़ी चक्की का आटा, तो पहाड़ी चक्की का आटा यो। और किट्टू चाचा पी रहे हैं चाह, एबीसीडी ना एबीसीडी वाला चॉकलेट पहन के चाह पी रहे हैं। अच्छा और यहाँ गांव की लगभग महिलाएं आ गई हैं पूरे प्रसाद बनाने के लिए, तो कुछ ये चल रहा है भाई, क्यों खंडे बोला दीदी। तो गुड्डा ने खोके दिया बहुत ज्यादा पानी, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बैकिया दिया तुझे यार भैया। अब लगोड़ का जेहो होगा, तो इसे हम भर रहे हैं लगोड़, ओ यार सॉरी, इसे भरेंगे हम लगोड़ कच्ची वाली, हाँ भाई ये चल गुड्डू भाई इतने का ही जेहो कर दो पहले में, तो कैसा होता है गुड्डू भाई ने कर दिया जे हो, ओ भाई फरफरान लगोड़ बनने से यहाँ, तो भाई कुछ इस तरीके से हो रहा है, जय हो जय हो, ओ जय हो जय हो। ओ भाई क्या लगोड़ दिख रहे, देख ना भाई मोबाइल डाल ये बोल जय हो, दतानी गुड्डू जेल गन दारा ताड़ी बुढ़ी गानी।
तो भाई अभी अभी मुझे पता चला कि बर्थडे है विदु का और मैं बर्थडे पार्टी में आ गया हूँ। तो आप तो मतलब खा के खाते में पीती गया हूँ यार, कभी बर्थ कभी बर्थडे कभी निमंत्रण कभी कुछ कभी कुछ। तो आज है विदु डॉन का बर्थडे, तो हमारा बर्थडे बॉय यहीं पर है। ओए विदु हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोलने। तो आज हैप्पी बर्थडे विदु का और दो दो केक आए हैं भाई, काफी बड़े बड़े, और बच्चा पार्टी काफी खूब सारी आई है। परसों इसका बर्थडे था भाई, फिर इसका होगा ना। और काफी लोग आ गए हैं मस्त करके, अब बर्थडे में केक खाएंगे बढ़िया सा। तो केक की अनबॉक्सिंग हो रही है, तो कैसा है केक? ओ भाई ये क्या है, ये तो गाड़ी है, ये तो गाड़ी है। अरे वेदु, अरे गाड़ी तो एक्सीडेंट हो गई तेरी गाड़ी का, वेदु की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भाई। तो दूसरे केक की अनबॉक्सिंग, दूसरी भी गाड़ी है, तो दो दो गाड़ियां है। एक गाड़ी मुझे दे यार, कौन सी गाड़ी देगा मुझे? ये वाली एक्सीडेंट वाली दे रहा है आरामी। तो कुछ ऐसा चल रहा है भाई, ये मस्त करके अब केक कटेगा, सब पे बढ़ेगा भाई। चोर चोरी कर दी वेदु ने। तो वेदु की दो दो गाड़ियां है भाई। ए वेदु कौन सा दे रहा है तू मुझे गिफ्ट में? अब बस कर भाई बस कर। तो बच्चा बाड़ी खुल इधर है। हैप्पी बर्थडे। ओ भाई सुन दिया सारे सुन दिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। फट गया ये, खराब हो गया नीचे। हैप्पी बर्थडे, चोरी नहीं। तो यह केक कट चुका है और गणेश ने उड़ा दिया, डाका डाल दिया। रुक तू रुक, पकड़ा गया। पकड़े गए। तो मस्त बर्थडे, केक कट चुका है मस्त करके, बच्चा पार्टी मस्त खेलने भाई। ओ भाई सुन दिए सारे। हैप्पी बर्थडे। फट गया ये, खराब हो गया नीचे। हैप्पी बर्थडे। चोरी नहीं। तो यह केक कट चुका है और गणेश ने उड़ा दिया, डाका डाल दिया। रुक तू रुक, पकड़ा गया। पकड़े गए। तो मस्त बर्थडे। तो केक कट चुका है मस्त करके, बच्चा वाड़ी मस्त खेल ले भाई। तो या अब मैं भी लगाएगा वेदु को केक छोटा सा। यो हैप्पी बर्थडे। तो यार दोस्तों बर्थडे से तो मैं आ गया हूँ और यहाँ पे चल रहा है हवन यज्ञ। तो भाई मस्त करके हवन यज्ञ की स्टार्टिंग हो गई है, तो ज्यादा क्या ही है, तो देखिए हवन यज्ञ कैसे स्टार्ट होता है।
तो यार भाई लोग शाम हो गई है और हमने खाना मस्त करके खा लिया है और खाना काफी स्वादिष्ट था। फोन में चार्ज न होने के कारण और हमारे गांव में लाइट न होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया और अभी आ रखे हैं हमारे घर नैतिक खालिया, हमारे मामू है। मामू ए मामू, हमारे मामू है नैतिक खालिया। मामू आऊ। तो यार दोस्तों नैतिक मामू हमारे घर आ रखा है, इसको मैं प्यार से कालिया कहता हूँ लेकिन ये है बहुत गोरा, ठीक है। तो यार बाकी क्या कहें, आज का दिन आपने देखा काफी बिजी लाइफ थी और आप लोगों ने देखा जनेऊ, देखा बर्थडे, देखा और मैं क्या लेने गया था जरक झाड़ू, वो भी आपने देखा, तो वो सिर्फ जंगलों में ही मिलते हैं। तो बाकी क्या कहें, आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में कल, तब तक लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए मुस्कुराते रहो, देखते रहिए अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल। बाय बाय बाय।